अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक। मैम की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बच्चों आपका लेक्चर तो, सॉरी मैं आपको ईमेल नहीं कर सकी, मैंने अभी ईमेल किया है। आप लोगों ने बाकी जो है कुछ एक्टिविटीज कुछ टेबल वगैरह बनाए हैं उसमें से, लेक्चर टू में से? स्टार्ट किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कितना टाइम लगेगा उसमें? मैम, ईद की छुट्टी। शाबाश, ईद की छुट्टियों में, वेरी गुड। इतना लेंथी वर्क तो नहीं है बच्चों। चले रमजान गुजार लें इंशाल्लाह, रमजान के बाद फिर प्रॉपर आप लोगों के जो होंगे असेसमेंट्स जो भी होंगे वो देखे जाएंगे। अभी बस लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, आज का टोटल टॉपिक जो है वो हमारा है प्लांट वायरसेस के ऊपर, ठीक है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेप्लिकेशन के, थे डीएनए और आरएनए वायरसेस की, हाउ टू रेप्लिकेट डीएनए आरएनए वायरसेस, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड इन आरएनए वायरसेस एंड डीएनए वायरसेस, बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने बात की थी कि वो बेसिकली किसके लिए, जो रेट्रो वायरसेस होते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है? आज जो हम ओवरव्यू जो है आज के लेक्चर का, उसमें क्लासिफिकली ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट वायरसेस, डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, जस्ट ओनली वन लेक्चर जो है वो प्लांट वायरसेस के ऊपर है, क्योंकि इतना बेसिक चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। मेजर जो इंपॉर्टेंट वायरसेस आर जा ह्यूमन वायरसेस, ठीक है? Why are the viruses important? Because viruses as 1000 species have been described that infect the plants worldwide. Okay? Basically, major epidemics and total crops are lost because of important plant diseases and threat to staple crops for food security and income. Clear? Basically, क्या है कि major जो plant viruses हैं वो क्या करते हैं, damage कर देते हैं हमारी major crops को, और worldwide जो 1000 viruses जो हैं वो describe हो चुके हुए हैं। इन्फेक्शन जो होता है प्लांट वायरसेस से, इसमें बेसिकली डिफरेंट ये डिफर करता है एनिमल वायरसेस से। वाई, क्यों करता है? क्योंकि प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो सेल में एंटर होते हैं वेक्टर के थ्रू, कोई भी वेक्टर है, कोई भी एनिमल, कुछ भी डैमेज उसके थ्रू एंटर हो सकते हैं, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी, जैसा कोई फॉर एग्जाम्पल प्लांट को हम कट करके कहते हैं ना, कट कर दिया, कट करके उसके ऊपर हमने न्यू जो भी कोई प्लांट है या क्रॉप है वो लगा दी, तो जब ड्यूरिंग कटिंग या कोई मैकेनिकल इंजरी करते हैं उसमें भी वायरस एंटर हो सकता है, ट्रांसमिशन से हो सकता है, जैसा एफिड्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं, बीटल्स हैं, फंजाई या नेमाटोड्स जो कि इंसेक्ट्स हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं, वो भी वायरसेस को इंसर्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कोई प्लांट नो रिसेप्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द प्लांट वायरसेस, लेकिन स्पेसिफिक हमारे पास कोई भी रिसेप्टर आइडेंटिफाइड नहीं है। ये है बच्चों इसके प्लांट वायरसेस की क्लासिफिकेशन, सेम जो हम एनिमल वायरसेस या ह्यूमन वायरसेस की पढ़ी वैसे ही है, वही डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, एसएस होगा, रिवर्स ट्रांसक्राइब होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए है, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उसी बेस पे इसको भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये वही चीज है पॉजिटिव सेंस आरएनए की, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि वो कोडिंग में हेल्प करता है। नेगेटिव का भी आप लोगों को पता है कि पहले नेगेटिव से किसमें आता है, पॉजिटिव में आता है और फिर वो प्रोटीन बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्राइब भी हमें पता है कि वो आरएनए से क्या करता है, डीएनए बनाता है, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो रिपोर्ट की गई है वो एग्जाम्पल है कोलिमोविरिडाई की, कोलिमोविरिडाई वायरस की फैमिली जो कि क्या है, रिवर्स ट्रांसक्राइब करती है आरएनए टू डीएनए में, ठीक है? और हमें पता है ह्यूमंस में कौन सा है, वो एचआईवी आ जाता है। ये है बच्चों आगे इसकी प्लांट वायरसेस की क्लासिफिकेशन, इसको मैं स्लाइड शो पे ले आती हूँ आप लोगों को। अपनी वो बच्चों शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? ठीक, अच्छा बच्चों ये आगे क्लासिफिकेशन है प्लांट वायरसेस की, हम पार्टिकल की बेस पे कर सकते हैं, जीनोम के प्रॉपर्टीज पे कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सीरोलॉजिकल हैं, ठीक है? जैसा आप जैसा हमने एनिमल वायरसेस की पढ़ी थी सेम वो, ये पार्टिकल का मतलब क्या है कि उसकी शेप और साइज की बेस पे कि कितना शेप और साइज, जीनोम उसका डीएनए कौन सा है, उसका आरएनए कौन सा है, उस बेस पे कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स कि कुछ टाइप का होस्ट है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हुई है, बेसिकली विरियोन के प्रोटीन्स के साथ या जो एंटीजेंस होती हैं उस बेस पे हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास फोर आ जाते हैं, कौन कौन से हैं, पार्टिकल है, जीनोम है, बायोलॉजिकल और साथ में सीरोलॉजिकल आ जाते हैं।
पार्टिकल में इसकी शेप्स हैं। ये लेक्चर आप लोगों को बच्चों बहुत इजी लगेगा क्योंकि हम प्रीवियस 3 लेक्चर्स में इन चीजों को थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो हमने एनिमल वायरसेस या ह्यूमन वायरसेस को किया था, आज हम प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को ईजी लगेगा। इसमें बहुत से टर्म्स वही हैं जो हमने पहले डिस्कस कर दी हुई है, ठीक है। आइसोमेट्रिक हो सकते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, स्फेरिकल होते हैं और स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो 8 नैनोमीटर डायमीटर अपवर्ड हो सकती है। इसकी जो बेसिक एग्जाम्पल है वो कौन सी बच्चों, टोबैको नेक्रोसिस वायरस है। कौन सी है? टोबैको नेक्रोसिस वायरस, जो कि 26 नैनोमीटर होता है डायमीटर में, क्लियर। ये रोड शेप में भी हो सकते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, 20 से 25 नैनोमीटर होता है, 100 से 300 नैनोमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। इनका सेंट्रल केनाल, जैसे अगर आप ये हमारे पास सेंट्रल केनाल जो होती है वो क्या होती है बच्चों, क्लियर होती है। क्या होती है? वो क्लियर होती है और साथ में क्या होती है, रिजिड होती है। और इसकी भी जो एग्जाम्पल है वो टोबैको मोज़ेक वायरस जो शो की गई है, और इसकी जो लेंथ है वो है 300 नैनोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसकी सेंट्रल केनाल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको लाइन से नजर आ रही तो वो क्या क्लियर होती है। देन ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, उनका डायमीटर जो होता है वो 12 नैनोमीटर होता है। ये भी रोड शेप में होते हैं लेकिन ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, 100,000 नैनोमीटर ये लॉन्ग हो सकते हैं। और इनकी जो एग्जाम्पल है वो पोटैटो वायरस की है, ठीक है, जो कि 740 नैनोमीटर का होता है, लॉन्ग होता है। देन हमारे पास जेमिनेट आ जाता है। जेमिनेट जो है बेसिकली ट्विंट आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डबल है, टू टू, ठीक है, ये देखें पेयर फॉर्म में। तो ये क्या होते हैं, ट्विंट आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको 30 से 18 जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका नैनोमीटर में इसका डायमीटर आ जाता है। बेसिकली इनको हम यूज डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो जेमिनी विरिडाई फैमिली है जो कि क्रॉप्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है, उनको डायग्नोस करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल फिगर में दिखाई गई है वो किसकी है, मेस स्ट्रीक की। किसकी है बच्चों? मेस स्ट्रीक वायरस की, जिसका जीनस जो है वो मेस्ट्री वायरस है, ठीक है, ये जेमिनेट है। देन बेसिलाई फॉर्म है बच्चों, आप लोगों ने ये फॉर्म्स याद रखनी है, आइसोमेट्रिक है, फिलामेंटस है, जेमिनेट है और बेसिली फॉर्म है। बेसिली फॉर्म भी जो होते हैं इनके शॉर्ट राउंडेड एंड्स होते हैं, ये भी जो होते हैं इनके वो लॉन्ग 300 नैनोमीटर लॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो कौन सी, कोका स्वेलन शूट वायरस की है, और उसका जीनस कौन सा है, बैटना वायरस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होंगे, इनके शॉर्ट राउंडेड क्या होते हैं, एंड्स होते हैं। देन हम जीनोम प्रॉपर्टीज पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। जीनोम की बेस पे हमारे पास वही है कि नेचर ऑफ जीनोम के वो डीएनए है या वो आरएनए है, सर्कुलर है उसका या फिर वो लीनियर है। देन उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। सिंगल कंपोनेंट होता है वो पोर्टी वायरस में होता है और टोबामा वायरस में होता है, लेकिन 11 तक वो आ सकते हैं जो नैनो वायरस के, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसकी जीनोम के कंपोनेंट्स में बेस में आ जाते हैं और साथ में हम लीनियर और सर्कुलर पे आ जाते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है नंबर ऑफ जीन्स के। नंबर ऑफ जीन्स के कितने इसमें होते हैं, मोस्टली जो प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें एटलीस्ट 3 जीन्स होते हैं, ठीक है। जिसमें एक जो होता है वो कंसर्न करता है रेप्लिकेशन के साथ, फिर सेकेंड जो होगा वो कंसर्न करता है सेल टू सेल मूवमेंट के साथ, और थर्ड वन जो होगा वो किससे रिलेट करता है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के साथ, मीन्स को कैप्सिड बनाने में हेल्प करता है और प्रोटीन का जो कोड बनाते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। 3 प्रोटीन्स हैं, तीनों का सेम ही काम है ऑब्वियसली, एक रेप्लिकेशन या जीन्स में हेल्प करती है, एक सेल टू सेल मूवमेंट में हेल्प करती है, और थर्ड वन जो होती है वो प्रोटीन कैप्सिड बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ट्रांसलेशन स्ट्रेटेजी जो होती है वो बेसिकली ये कि ट्रांस जीन्स जो होती है वो ट्रांसलेट करती हैं कंपोनेंट्स को, मैसेंजर आरएनए से भी वो हो जाती है कि डिफरेंट प्रोटीन्स बना देती हैं, और डिफरेंट इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जीन्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन वही है कि जीनोम कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर एमआरएनए के थ्रू क्या होते हैं, वो डिफरेंट प्रोटीन्स बना देते हैं। देन हमने बात की थी, हम दो प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल वाले भी और जीनोम वाले भी। थर्ड प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें रियो विरिडाई की हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसमें ये प्लांट इन्फेक्टिंग मेंबर्स होते हैं, और इसके वायरसेस कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसमें ओरिजा वायरस है, फाइटो रियो वायरस है, फिजी वायरस है, देन माइको से जो एक फैमिली आती है वो माइको रियो वायरस है, देन फिश और सेफेलोपोड से एक्वा रियो आता है, और टू कहाँ से आते हैं, कैप्सिटेरिस में साइपो आता है और एंटोमो रियो वायरस आ जाते हैं। बेसिकली यही बात है कि इनका जो ट्रांसमिशन वही बात मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे हेल्प करते हैं, कि इनका जो ट्रांसमिट किस तरह से होते हैं, एफिड्स के थ्रू हो सकते हैं, माइट्स के थ्रू हो सकते हैं, और वाइट फ्लाइज मीन्स के जो इंसेक्ट्स हैं वही प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या है, सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। सीरोलॉजी में मैनी वायरसेस आर गुड एंटीजेंस, ठीक है, बहुत से वायरसेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, गुड एंटीजेंस आ जाते हैं, क्लियर।
वही बात है कि उस बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एंटीजेंस की बेस के ऊपर हम उनके एंटीबॉडीज के साथ जब उनका रिएक्ट करवाते हैं तो हम वायरस का रिलेशनशिप देख सकते हैं कि कौन सा वायरस इस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर हाईली इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट इन सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी हैज डिक्लाइन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। जितना हमने बात की थी ह्यूमन बींग्स में भी, कि हमने किसी भी वायरस को आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसकी सीरोलॉजी के बेस पे, उसके एंटीजन के बेस पे ही उसको रिकोगनाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी प्लांट वायरसेस में भी ऐसी है कि हम उन एंटीजन और एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है हम उसे एग्जामिन कर लेते हैं कि कौन सा वायरस जो प्लांट वायरस को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लांट वायरसेस, वो डीएनए, आरएनए, एसएस है, डीएस है, हमने इसको सेपरेट कर दिया है कि एसएस वाले कौन से है, तो उसमें जेमिनी विरिड आई है और आगे उनके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। टर्न कर्टो वायरस है, देन बी कर्टो वायरस है, इसमें स्पेनिच आ जाता है, नैनो विरिड आई आ जाते हैं, कोलिमो विरिड आई जो इसमें आरटीबीवी लाइक है, जैसे राइस टंगरो बेसिलाई फॉर्म आती है, और बैडना वायरस आ जाते हैं, ठीक है। ये प्लांट वायरसेस के डीएनए को बताया गया है। इस तरह से फर्दर आगे दिखा दिया एस एस आर एन ए कौन से होते हैं, डीएस आर एन ए कौन से होते हैं। एस एस में हमारे पास रेप्टो है, बुनिया है, सूडो है, कोमो है, और आगे उनके साथ में एग्जाम्पल दे गई, और सेम हमारे पास डीएनए आरएनए का आ गया। ये बच्चों फैमिलीज हैं, ये आप लोगों को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये कि आप लोगों को समझाने के लिए इसमें मैंने बता दिया। थोड़ा सा इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से ये आप लोग इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, आरएनए, ठीक है। फैमिलीज एंड जेनरल वायरसेस इन्फेक्टिंग प्लांट्स, जैसे डीएस डीएनए है और यहाँ पे एसएस डीएनए, फिर डीएस आरएनए और एसएस आरएनए, उसमें नेगेटिव पोलैरिटी वाला और साथ में पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है। ये डीएस डीएनए हमारे पास आरटीए मींस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो वो कोलिमोविरिडाई है, और उसके आगे एग्जाम्पल्स आ गई हैं। इस तरह एसएस जो है उसमें जेमिनी विरिडाई जीनस आता है, और आगे उसके एग्जाम्पल्स और साथ में नैनोविरिडाई आ जाता है। डीएस डीएनए जो है तो उसमें रियो विरिडाई है, उसके एग्जाम्पल है, और पार्टी विरिडाई है, जिसमें अल्फा क्रिप्टोवायरस और बीटा क्रिप्टोवायरस आ जाते हैं। सेम एस एस आर एन ए में नेगेटिव में जिसमें रेप्टो है, बुनिया है, टीनियो वायरस है। इस तरह एस एस आर एन ए में जो आर टी जो होता है वो सूडो विरिडाई होता है, मेटा विरिडाई होता है। इस तरह तो पॉजिटिव वाले आ गए, ल्यूटो विरिडाई है, कोमो विरिडाई है, ब्रोमो है, ओरमा विरिडाई है, टोबा है, इस तरह से हॉर्डी, ये सब हैं, ठीक है। फ्लेक्सी, इतना डिटेल आप लोगों को ये फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, चार जो प्रीवियस स्लाइड में इस तरह से ये नाम बताया गया आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए इसको ऐड किया गया था। क्लियर है बच्चों जी क्लास, कोई प्रॉब्लम? नो मैम, ठीक नो है मैम, नो अच्छा बच्चों अब इसका लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल भी वही है जिसे हम पहले बात कर मैम, चुके हैं कि सबसे पहले क्या होगी, अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, वायरस उसमें इंसर्ट हो जाएगा, फिर वह करेगा और क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, फिर उनको असेंबल कर एक्सक्यूज देगा, मी अपनी मैम, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। जी बेटा मैम मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट फिर भी अच्छा बेटा, चल रहा है मेरा, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ फिर, तो मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा प्लीज। बेटा अटेंडेंस तो आपकी जूम पे आ गई होगी सबकी, मैं जूम से डाउनलोड करूंगी सबकी अटेंडेंस। तो सॉरी बेटा आप अटेंड करें, आप क्लास अटेंड करें, अगर बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो आपको लेक्चर सुनने लेंगी ना, अगर आप बिल्कुल स्कूल चलिए मीटिंग लीव लीव कर देंगी तो फिर आपको क्या, ठीक है। थोड़ा सा जो भी आपको डिस्कनेक्ट भी हो रहा है आप लेक्चर सुनती नहीं, उसके बाद आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपका कवर हो जाएगा। अच्छा बच्चों प्लांट वायरस लाइफ साइकिल में पहले उसकी अटैचमेंट है, जिसमें स्टेप अटैच नो अटैचमेंट स्टेप विद प्लांट वायरसेस, ये बेसिकली एंटर जो होते हैं वेक्टर के थ्रू, जैसे हमने बात की थी कोई ना कोई इंसेक्ट, कोई ना कोई वेक्टर हमें चाहिए होता है, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो तो उसके थ्रू ये इंसर्ट होते हैं, या फिर कोई ना कोई वूंड आ गया, कोई कट लग गया तो वो सेल के अंदर डिलीवर हो जाता है, वायरस जो है वो होस्ट में आ जाता है। उसके बाद वही है कि वो अपनी अनकोटिंग करेगा न्यूक्लिक एसिड को, फिर वो अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर लेगा, अपने रेप्लिकेशन एंजाइम्स को वो क्या करेगा, यूज करेगा, फिर वो करेगा प्लाज्मोडेस्माटा अप्लीकेट। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली सेल टू सेल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं बच्चों, दो सेल्स के दरमियान जो मूवमेंट होती है उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। देन वो फाइलम के थ्रू जो होगा लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट करेगा, किसमें, प्लांट के अंदर, ठीक है। ये चीज, ये क्या, हमारे पास सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, ये प्लाज्मोडेस्मा जो वे है, जो पाथवे है जहां से इसने मूव करना है उसको प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, उस मूवमेंट को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो वायरस जो होगा वो इस तरह से अदर सेल्स तक क्या करेगा, मूव करेगा।
या प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जब वायरस जो होगा प्लांट में एंटर हो जाएगा तो उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। इंसेक्ट वेक्टर्स जो होते हैं वो नेचुरल स्प्रेड होते हैं। सीड ट्रांसमिशन जो है सबसे ज्यादा कॉमन है लेकिन वायरस और प्लांट के लिए, क्योंकि सीड एक ऐसे हैं कि उसके सीड ट्रांसमिट हो जाएगा उसके साथ वायरस भी ट्रांसमिट हो जाएगा, तो मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे वो सीड ट्रांसमिशन आ जाती है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में क्या क्या है, डेलिबरेट है या फिर रब कर रहे हैं, इनोकुलेट कर रहे हैं फील्ड को, कोई फार्म टूल यूज कर रहे हैं, कटिंग टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम कटिंग कर रहे हैं, कोई इनोकुलेट कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, या फिर उस प्लांट को हम रब कर रहे हैं, तो ये सब किसमें आ जाते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन में आ जाते हैं। फिर वेक्टर्स से हमने बात की थी, वेक्टर्स में हमने कहा था इंसर्ट्स हैं और सॉरी इंसर्ट्स नहीं इंसेक्ट्स हैं, और उसमें क्या था आर्थ्रोपोड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और या फिर सकिंग माउथ पार्ट्स आ जाते हैं इंसेक्ट्स के, एफिड्स हैं और जिनको मोस्ट कॉमन स्टडीड किया गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं और साथ में क्या है एफिड्स हैं, ठीक है। तो हमारे हमने तीन तरह के ट्रांसमिशन है, सीड के थ्रू सबसे कॉमन है, देन हमारे पास मैकेनिकल थी, मैकेनिकल के थ्रू वो एंटर हो सकते हैं, और उसके बाद क्या था प्लांट वायरसेस के वेक्टर्स हैं जिसमें लीफ हॉपर्स था, हमने कहा था एफिड्स हैं, बाइटिंग माउथ पार्ट्स हैं, नेमाटोड्स हैं, उसके साथ फंजाई आ जाते हैं, ठीक है। अब हम ये फिगर्स में आप लोग बच्चों देख सकते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स का दिखाया गया कि आर्थ्रोपोड्स एज वायरस वेक्टर्स से क्या करते हैं, हेल्दी प्लांट से कैरी करते हैं वायरस को फ्रॉम डिजीज से हेल्दी प्लांट के लिए, डिजीज से वायरस लेते हैं और उसके बाद हेल्दी प्लांट में उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये वेरी एफिशिएंट मेथड है किसका, ट्रांसमिशन का, और आप देख सकते हैं एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाइज हैं, लीफ हॉपर्स हैं, माइट्स और बीटल्स, ये सब क्या हैं वेक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्लियर। अब आप देखो बच्चों कि ये वेन बेंडिंग, अब इस लीफ को आप देखो तो इसको अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया तो इसके वेन्स में क्या हुई है, बेंडिंग हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर चेरी को किया गया तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज कर गया है। अगर आप ये गावा को देखें तो इसमें क्या होगी, ये नेक्रोसिस हो गई है। अगर आप इसमें देखें तो टिश्यूज की क्या हो रही है, अब डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। और फ्लावर्स को देखें तो फ्लावर्स की क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट सिम्टम्स को शो करते हैं जब उनका वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यही वायरसेस जो हमने पीछे बात की थी कि कौन से थे, बैसिलाई फॉर्म के थे, रिजिड थे, फिलामेंटस थे, प्लियोमॉर्फिक थे, जेमिनेट थे, स्फेरिकल थे, ये सब क्या है, ये प्लांट के वायरस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चों ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम मोज़ेक वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं मोज़ेक, क्यों, ये क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स को करते हैं, पोटैटो को कर सकते हैं, टोमेटो को, कुकम्बर को कर सकते हैं। सिम्टम्स इसमें क्या होती हैं कि एक तो ये कि लीफ को भी अफेक्ट करते हैं और फ्रूट्स को भी करते हैं, ठीक है, लीफ और लीव और फ्रूट दोनों को करते हैं। और ये किस तरह से अपीयर होते हैं, ये मोटल येलो पैचेस होते हैं, ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं, ग्रीन से उसको येलो में कवर कर देते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि अगर इसके आगे हम फिगर भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्या हो गया, नेक्रोसिस कर देते हैं लीफ को, क्या करते हैं आप देखें क्या हो गए, ग्रीन से वो येलो हो गए हैं। अगर आप ये टोमेटो को देखेंगे तो उसमें क्या हो गई, आप ये देखें आपको ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं येलो से फॉर्म में, ये राउंड शेप, ये क्या, इसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ये क्या, ये लीफ बेंड हो गया है। इस तरह से क्या करते हैं, डिफरेंट सिम्टम्स ये शो कर देते हैं जो मोज़ेक वायरसेस होते हैं। बिगोमो वायरसेस जो होते हैं ये एपिडेमिक्स होते हैं अफ्रीका में, इसलिए टोमेटो और पेपर प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। इसमें भी यही है, लीफ कर्लिंग हो जाएगी, मोज़ेक है, वेन येलो हो सकती है, लीफ येलो हो सकता है। और यही बात है कि ग्रोथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ग्रो प्लांट, अगर वही बात अगर वो येलो में कन्वर्ट कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है, तो एक प्लांट की क्या होगी, उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या फिर वो प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं करेगा। ये हम एट द एंड हम ये बात करेंगे कि उसकी जब हमने वायरसेस को डिस्कस कर लिया तो हम ये देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। हम उसको केमिकल एप्लीकेशन से कंट्रोल नहीं कर सकते, मेजर कंट्रोल जो है वो डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करें वेक्टर्स का, हम डिफरेंट स्प्रेस कर देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जो क्रॉप्स के ऊपर क्या होता है, अच्छा जी डिफरेंट स्प्रेस की जाती है, वो क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि वहां पे जो वायरसेस हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। देन हम कुछ ऐसी क्रॉप्स लेके आ सकें जो कि ग्रो रेजिस्टेंट करें ग्रो वायरसेस के अगेंस्ट, हम वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, और यही कि जो प्लांट इफेक्टेड है उसको हम एक्सक्लूड कर दें ताकि वायरस जो है वो फर्दर अदर प्लांट्स को इन्फेक्ट ना करें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनका गुड सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है कि मींस को बेनिफिशियल होते हैं। इसमें जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो ट्रॉपिकल पैनिक ग्रास की, जो कि येलो नेशनल पार्क में ग्रो करता है मोर देन 50 टेम्परेचर के ऊपर,
और ये इसी कंडीशन में क्या करता है, टॉलरेट कर सकता है, और इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है इसके साथ फंगस इन्फेक्टेड विद द वायरस, मीन कि जो फंगस इन्फेक्ट किया होता है वायरसेस को उसमें इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है कि प्लांट्स को ये डैमेज नहीं करता, बल्कि उनके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से ये एबायोटिक स्ट्रेस, मीन एबायोटिक हम वो कहते हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ड्राई टेम्परेचर होगा, कोल्ड है, ड्रॉट कंडीशन है, ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे भी ये क्या होता है, इसका बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो ब्रोम मोज़ेक है, टोबैको मोज़ेक है, ये बेसिकली ड्रॉट कंडीशन, जो बिल्कुल ड्राई कंडीशन होती है वहां पे टॉलरेट कर सकते हैं और ये बेटर होते हैं देन द अनइंफेक्टेड प्लांट्स। ठीक है, क्या है कि ये ऐसे कुछ हमारे पास एरियाज हैं कि जहाँ पे अगर वायरस इन्फेक्ट कर जाएगा प्लांट को तो वो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक अगर एसोसिएशन कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो अनइंफेक्टेड प्लांट्स हैं, जो ड्रॉट कंडीशन है, बिल्कुल ड्राई है, टेम्परेचर हाई है, तो वहां पे जो अनइंफेक्टेड प्लांट है वो इजिली ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पे यही होगा कि जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो इजिली ग्रो कर जाएंगे। वायरसेस को हम जेनेटिकली इंजीनियर भी कर सकते हैं और हम फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्टेड होस्ट में। या आप लोगों को पता है कि जेनेटिकली इंजीनियर क्या होती है बच्चों, कि हम लोग क्या करते हैं, जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, क्या होती है, प्लाज्मिड के थ्रू हम उसमें क्या करते हैं, एक न्यू डीएनए या न्यू जीन इंसर्ट कर देते हैं, कि जब वो वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, तो हमें जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट होती है वो हमें उसमें मिल जाती है। ठीक है, अगर हम क्रॉप्स अच्छी चाहते हैं, हम डिफरेंट वराइटीज के फॉर एग्जाम्पल राइस चाहते हैं, तो किस तरह से आते हैं, वैसे ही आते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर वायरसेस को इंसर्ट करते हैं, और वो वायरसेस जब अपने जीनोम को रेप्लिकेट करते हैं तो वो डिफरेंट हमारे पास कंपन वो इन्फेक्टेड होस्ट में क्या करते हैं उसका इजी, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बना देंगे। हम उसे डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्प्रेज, डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं होस्ट के अगेंस्ट, डिफरेंट के जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनके अगेंस्ट, ताकि वही स्प्रेज और वही केमिकल्स यूज करके हम वायरसेस का इन्फेक्शन खत्म कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि प्लांट वायरसेस होते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंटली क्या कहते हैं, कुछ वायरसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनका क्या होता है, अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर दें तो क्रॉप के ग्रोथ को स्टंट कर देते हैं, उसका साइज, उसकी शेप को इफेक्ट करते हैं, कलर को इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास जो होते हैं वो सिम्बियोसिस एसोसिएशन में भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका लेक्चर आज का। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू किसी को? नो मैम, क्योंकि ये बहुत इजी लेक्चर है आज का, इसमें ऐसा जो है वो कोई इश्यू आप लोगों को होगा नहीं, मोस्टली टर्म्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? जी बच्चों, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन? मैम सी सी अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड ए। मैम मैम अल्फा, अल्फा और सी, लेट्स सी। सी बच्चों, पहले वो पेनिट्रेट करता है, फिर वो बायोसिंथेसिस अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, फिर उसके जो न्यू प्रोडक्ट बनती है उनको मैच्योरेशन होती है, और देन फिर वो क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है मैम, सी है ना? यस, तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वाइल्ड न्यूक्लिक एसिड इनटू एमआरएनए इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ आरएनए वायरसेस, डीएसडीएनए, एसएसडीएनए एंड ऑल ऑफ दिस। नहीं, आप देखें ना, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इज नॉट नेसेसरी आरएनए वायरस, बाकी डीएनए में तो ट्रांसक्रिप्शन होती है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। Which of the following characteristics would not be used to classify viruses? Type of cell wall, type of nucleic acid, presence of envelope and symmetry. Mm-hmm.
picture. What is the best one? Ma'am, A. Alpha. Cell wall structure. A is the cell wall structure. Cell wall structure. Transfer infection from cell to cell occur mainly by direct transfer of virion by plasma. That's what is meta. Very A. Good. A. ये बच्चों आप लोगों का होम टास्क है व्हाई क्लासिफाई वायरसेस डिफाइन वायरस एंड विरियन व्हाट आर सूडोटाइप्स नेम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वायरसेस बच्चों आप लोगों ने एसईक्यूज भी आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं साथ साथ के क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी आप लोगों का एग्जाम आप लोगों को याद है कि सबका जो था वो उसमें भी आया था एसईक्यूज भी थे और क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे ठीक है तो ये आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते रहे और बच्चों आफ्टर ईद आप लोगों का ये लास्ट लेक्चर है आज ठीक है इसके बाद हमारा ईद के बाद ये लेक्चर होगा आफ्टर ईद में आप लोगों के जितने भी आप लोगों को मैंने होम टास्क दिए हुए हैं वो सब मैं आप लोगों के चेक करूंगी क्लियर ठीक है आप एक दफा मैम ये होम टास्क जो आप दे रही हैं इनको कहीं पे रिटन डाउन करने के टाइप पे फॉर्म पे आप चेक करेंगी या आप सुनेंगी बच्चों टाइपिंग फॉर्म में होगा मैं ड्यूरिंग लेक्चर किसी भी स्टूडेंट्स को कह दूंगी कि आप अपनी वीडियो ऑन करके मुझे अपना दिखाएं या मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ ठीक है कुछ भी okay, इस तरह से मैम हम रिटर्न भी तो लिख सकते हैं ना मैम कॉपी पे तो कॉपी पे लिखना रिटर्न और मैम प्लीज आप एक दफा रिपीट कर दें आपने कौन कौन से टास्क दिए हैं अभी तक जितने सारे दिए हैं ना बच्चों आप लोगों को यही है कि टेबल्स बनाने के लिए मैंने दिए हुए ठीक है और ये जो आज इसमें होमवर्क है एसईक्यूज का ये है आप लोगों का मैम टेबल्स लेक्चर नंबर 2 वाला करना ना हमने उनमें ना मेन वायरसेस डीएनए और आरएनए वाले और आज जो शायद हम लिखे हैं टू वाला था और थ्री में से भी मैंने कहा था आप लोगों ने ऐड कर लेना है रेप्लिकेशन को साथ के रेप्लिकेशन कौन कौन सी किस में हो रही है यस मैम ठीक है और ये वाला और आप सब अपने रिटर्न में रखें अपने पास मैं किसी से भी कह सकती हूँ कि आप अपनी वीडियो ऑन करके मुझे अपना होम टास्क दिखाएं या मैं किसी से पूछ सकती हूँ सुन सकती हूँ ठीक है तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद वी विल मीट अगेन बेस्ट ऑफ लक बच्चों और सेकंड ये कि आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक सबको इन एडवांस क्लियर थैंक यू मैम मैम ये लेक्चर पे अवेलेबल है सारे बच्चों मैंने ईमेल कर दिए हुए सबको ईमेल किया अभी मैं एलएमएस पे अपलोड नहीं किए हैं लेकिन मैंने ईमेल कर दिए हुए थैंक यू और रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को ईमेल है ठीक है बच्चों इंशाल्लाह ताला सबकी ईद अच्छी गुजरे और ईद पे सबको याद रखिएगा स्पेशली जो आप गरीब लोग हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है मतलब आजकल के जो हाल हालात चल रहे हैं ठीक है तो सबको याद रखिएगा सबके लिए बेटा अभी लेक्चर खत्म होगा तो मैं सेंड कर दूंगी क्या हो गया आप लोगों को अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ मैं कितने पर सेंड कर सकती हूँ ठीक है बच्चों अल्लाह हाफिज मैं आप लोगों को अभी लेक्चर और रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर देती हूँ ओके ओके मैम अल्लाह हाफिज ओके बच्चों अल्लाह हाफिज ईद मुबारक बहुत बहुत अल्लाह हाफिज